आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में आबकारी विभाग नगर के देशी शराब की दुकान पर की गई छापामारी। गाजीपुर के जमालिया में जिले के उच्चाधिकारियों के निर्देशन में शनिवार को उप जिलाधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह एवं सीओ हितेंद्र कृष्ण की उपस्थिति में आबकारी विभाग द्वारा नगर के देशी शराब की दुकान पर पहुंचकर छापामारी की गई। इस दौरान दुकानदार हैरान और परेशान रहे। बताया जा रहा है कि देशी शराब की जगह जहरीली शराब पीने के चलते किसानों की जान जा चुकी है। जहरीली शराब की धरपकड़ के लिए उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश का पालन करते हुए शनिवार को एसडीएम शैलेंद्र प्रताप सिंह तथा सीओ हितेंद्र कृष्ण की संयुक्त टीम बनाकर आबकारी विभाग के साथ नगर स्थित श्याम नारायण राय के देशी शराब पर छापामारी की गई। इस दौरान देशी शराब की जांच के लिए कई शीशी को सील किया गया। आबकारी निरीक्षक राजकिशोर ने बताया कि स्टेशन बाजार स्थित देशी शराब पर भी छापामारी की गई। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब की धरपकड़ के लिए लगातार छापामारी की जा रही है और ये विभागीय स्तर पर हो रही है। क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण ने बताया कि जिले के उच्चाधिकारियों के निर्देश का पालन करते हुए ईंट भट्टों के अलावा देशी शराब की दुकानों पर छापामारी की जा रही है ताकि जहरीली शराब और तस्करों को पकड़ा जा सके। इस अवसर पर आबकारी निरीक्षक राजकिशोर के अलावा कांस्टेबल मोहम्मद सैफी, कांस्टेबल कलीम रजा, प्रवेश कुमार तथा उमा सिंह आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय कई जनपदों में जहरीली शराब बेचने की और उससे पी के मृत्यु होने की सूचनाएं प्राप्त हैं। इसी के क्रम में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में हम लोग जो देशी दुकानें हैं, लाइसेंसी देशी दुकानें हैं, वहां से सैंपल ले रहे हैं और उसकी जाँच की जाएगी सैंपल की, कहीं कोई इसमें मिलावटी शराब तो नहीं बेची जा रही है। इसी के संबंध में आज ये कस्बा जमानिया की देसी शराब की दुकान में ये सैंपल यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है।